हाय गाइस, यू आर वाचिंग मियोन। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आइसोलेट एम फ्लूड के बारे में। तो आइसोलेट एम फ्लूड में क्या है, क्या मिला हुआ है और इसका कहाँ कौन से पेशेंट पे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो बने रहिएगा अंत तक, इसके बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें डेक्सट्रोज मिला हुआ है। तो डेक्सट्रोज जो मिला हुआ है, जिसके कारण आप पेशेंट को काफ़ी एनर्जी आ जाता है इसको चढ़ाने से। और कैसे पेशेंट को चढ़ा सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी पहले ये समझ लेते हैं कि डेक्सट्रोज और मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होता है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम एसीटेट है और पोटासियम वगैरह से मिला हुआ है। मतलब कि सारा जो मतलब मटेरियल होता है वो सब इसमें मिला हुआ है। जैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट को सोडियम कम हो जाता है, किसी पेशेंट को पोटासियम कम हो जाता है, तो इस तरह का अनबैलेंस हो जाता है शरीर। तो वैसा कंडीशन में ये सारा कुछ का पूर्ति करता है, सोडियम का भी, पोटासियम का भी, ग्लूकोज का भी, तो सब कुछ। इसके कारण इसका दाम भी काफ़ी ज़्यादा है, 140 रुपये इसका दाम है, जो कि नॉर्मल सलाइन में काफ़ी ज़्यादा इसका रेट है। और इसका जो आप देख सकते हैं कि इसमें डेक्सट्रोज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला हुआ है, तो जिसके कारण अगर आपको शुगर पेशेंट को है, जिनका शुगर आप टेस्ट किए हैं, शुगर ज़्यादा मिला है, तो ऐसा पेशेंट को चढ़ाना ठीक नहीं होता है। और मान लीजिए किसी पेशेंट को ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, जैसे मतलब कि उल्टी या पैखाना हो गया है, मतलब कि लेट्रिन वगैरह कुछ हो गया है ज़्यादा अमाउंट में, या फिर वोमिटिंग वगैरह हो रहा है ज़्यादा, तो ऐसा कंडीशन में इसको चढ़ा सकते हैं आप उस पेशेंट को। और अगर देखिए यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ 500 ml का बॉटल है, यहाँ 500 ml लिखा हुआ है। और इसमें क्या है कि आप मतलब एनर्जी के लिए, मान लीजिए सोडियम किसी का कम हो रहा है या पोटासियम कम हो रहा है, लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाए हैं, तो वैसा कंडीशन में जैसे मान लीजिए आपको कुछ लग रहा है कि भाई इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम लग रहा है, जैसे लैट्रिन वगैरह रुक नहीं रहा, तो ऐसा कंडीशन में जैसे सोडियम पोटासियम कम होने पर क्या होता है ना कि लैट्रिन जल्दी नहीं रुकता है, किसी को लैट्रिन हो रहा है तो नॉर्मल सलाइन चढ़ा रहे, आरएल वगैरह चढ़ा रहे, तो ऐसा कंडीशन में रुक नहीं रहा, तो आप आइसोलेट एम भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम और पोटासियम का सफिशियंट मात्रा रहता है, मतलब एक रेशियो अच्छा रेशियो रहता है, जिसके कारण पेशेंट को रिकवरी करता है जल्दी, ज़्यादा ही अच्छा से। तो इस ये था आपको आइसोलेट एम में। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो या फिर हमसे कुछ इसमें छूट गया हो बताने के लिए, तो हम किसी और वीडियो में आपको इसके बारे में और भी डिटेल से समझाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा देखने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।